फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट बुड में। तो प्यारे बच्चे, हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग एक बार लाइव आ जाइए। और आज यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार यहाँ पे सेशन होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में, देखिए आज की क्लास में खास करके हम लोग 3 फरवरी को टारगेट करेंगे। यानी 3 फरवरी को आपका क्या है, फिजिक्स का पेपर है, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को टारगेट करने वाले हैं। यानी पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो जितने सारे स्टूडेंट है ना, एक बार आप लोग पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक ही घंटा में हमको 150 वायरल क्वेश्चन को कवर करना है। तो जितना तेजी से चलेंगे ना, उतना तेजी से ये 150 क्वेश्चन हमारा कवर हो पाएगा। और आप लोग एकदम रेडी रहिएगा जल्दी जल्दी करने के लिए। और यहाँ पे आपको समझाएंगे भी, और आपको आस्ते आस्ते आगे बढ़ाएंगे, और तेजी से भी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सभी बच्चे एकदम रेडी रहिएगा। आर्मी बॉय बहुत बढ़िया, गोलू यादव बहुत बढ़िया, मैथ वाले भैया बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से साना साइन, गुड इवनिंग बाबू। चलिए फटाफट से वर्षा निशान, सब बच्चे आ जाइए, बहुत बढ़िया। रजनीकांत बहुत बढ़िया, चलिए चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट से आ जाइए, फटाफट से। इसी का वेरी गुड, जल्दी जल्दी बाबू एक बार जितना जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास में यार बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट जो दिए थे आप लोग, डाउनलोड किए कि नहीं, जो प्रैक्टिस सेट दिए थे वो डाउनलोड किए कि नहीं, इसका भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा बिना आंसर का, क्योंकि आपको आंसर लगाना है अपने से, क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। तो वो प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कीजिएगा बिना आंसर का, और अपने से आंसर कीजिएगा, डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है एग्जाम का, इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बाबू शुरू करें, एक मिनट प्यारे बच्चों। आप लोग ये नहीं बता रहे कि आवाज कैसा जा रहा है, बताइए कैसी बात है, हम उतना दूर माइक रख के बार बार आवाज कर रहे हैं। आप लोग ये नहीं बताए कि सर जी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, बिना माइक का क्लास करवा देते अब तो, वो तो मेरा ध्यान गया। आप लोग ये भी नहीं बताए कि साउंड नहीं आ रहा था। चलिए तो बाबू यहाँ पे पूरा क्लियर आवाज हो गया होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। चलिए बाबू यहाँ पे शुरू कर देते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करने से पहले, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो आप फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। और देखिए कल क्लास 5 होगा, कल क्लास कितना होगा, 5 क्लास होगा कल से प्यार बच्चों, 5 क्लास होगा कल, पक्का है कि 5 क्लास होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं लाइक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, नंबर नोट कीजिए 9935742024। आप इस पर क्या कीजिए बाबू, मैसेज करके जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और अगर आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल करके हमसे बात कर लीजिए यहाँ पे, बिल्कुल। तो चलिए बाबू शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। कृति नेहाल सर जी बहुत बढ़िया, चलिए बाबू शुरू कर दें निहाल बाबू। चलिए यहां देखिए फटाफट से यहां पे बाबू एक बार बता दीजिए, शुरू कर दें, चलिए शुरू कर दे बाबू जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार। यस यस बोल रहे हैं, तो बाबू 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे, क्योंकि 150 हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितना भी हम पढ़ाएंगे ना, जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे बाबू, यहाँ पे फालतू वालतू अब क्वेश्चन बंद, जो एग्जाम के लायक क्वेश्चन होगा वही पढ़ेंगे। देखिए आर त्रिज्या का पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की विद्युत धारा कितनी होती है, या तो इसका मान पूछ सकता है, या तो प्यार बच्चों ये पूछ सकते हैं कि कितनी होती है, जरूर ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ देखिए आपको सेंटअप में इसका मान पूछा गया था कि कितना होता है, लेकिन बचा है ये, तो हमको लग रहा है ये क्वेश्चन की 100% पूछ देगा, क्योंकि सेंटअप में इसका मान पूछा गया था कि यहाँ देखिए 4πε0 का मान कितना होता है, लेकिन अब की बार एग्जाम में ये पूछेगा कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारा कितनी होती है, तो आपको पता होगा 4πε0 आर होता है। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन कन्फर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। और कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो कैलकुलेट इसी तरह किया जाता है कि कौन क्वेश्चन कब पूछ रहा है, इसी प्रकार एग्जाम यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चन अपना सेट करता है। तो वैसे वैसे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए, पी टाइप क्या होता है, पी टाइप में मुख्य धर्मवाहक क्या होते हैं बाबू, होल्स होते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि में लाया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि इसको बनाने के लिए जर्मेनियम में किसको डोपित किया जाएगा, यानी अशुद्धि कौन सा मिलाया जाएगा, जर्मेनियम में कौन सा अशुद्धि मिलाया जाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन सा अशुद्धि। तो यहाँ आप देखिए ब्रोन मिलाया जाएगा, गैलियम मिलाया जाएगा, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर बता दीजिए, बहुत बढ़िया बाबू। ब्रोन कैसे, ब्रोन नहीं मिलाया जाएगा, पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो जर्मेनियम में किसके साथ, तो गैलियम के साथ क्या किया जाता है, गैलियम के साथ
मिलाया जाता है, यानी अशुद्धि जो होगा पैर बच्चों क्या होगा, गैलियम होगा। अगला यहाँ पे आज एक फैराडे बराबर होता है, ये देखिए क्वेश्चन है कि एक फैराडे कितने के बराबर होता है, एक फैराडे यहाँ आप देखिए फैराडे को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। अब पूछा जाता है कि फैराडे किसके बराबर होता है, एक फैराडे कितने के बराबर होता है, तो एक सीबी इनवर्स के होता है ना, एक सीबी इनवर्स के होता है, क्या हो जाएगा एफ एम इनवर्स कहाँ है बाबू, एक सीबी इनवर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग बी पे मारिएगा, यहीं पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि आप देखिए लघु तरंगों का परास, यानी जो प्यार बच्चों क्या होती है लघु तरंगे, शॉर्ट वेव। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लघु तरंगे होती है इनकी जो परास होती है, आवृत्ति की जो परास होती है लघु तरंग की, यहाँ पे वो कितनी होती है। भू तरंगों का जैसे 500 से लेके 1500 होता है, जैसे आपको पता है कि जो यहाँ पे सूक्ष्म तरंग होती है 10 के पावर, यहाँ पे देखिए फटाफट से बता दीजिए, 11 से 10 के पावर 18 के बीच होता है, यानी यहाँ पे देखिए भू तरंगों का होता है यहाँ पे 500 से लेके 1500 mz तक। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए पूछा जाए कि लघु तरंग के कितने होते हैं, ये जो शॉर्ट वेव होते हैं उनके कितने होते हैं, तो इनके कितने हो जाएंगे 30 से लेके 30 mz होगा। तो यहाँ पे दो है क्या, 30 से लेके 30 mz यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि आपको यहाँ पे KHZ लिखा है, यानी क्या हो जाएगा 30 से लेके 300 MHZ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें बस यहाँ पे KHZ किलो हर्ज लिख दिया है, इसमें मेगा हर्ज है। तो यहाँ पे हम लोग का कितना में होता है शॉर्ट तरंग का, मेगा हर्ज में होता है। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर आपको ध्यान रख के ये सब क्लास करना है। अगला आज ये कि किसी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो सिंपल सा बात है इलेक्ट्रॉन, कौन सा, तो यहाँ आप देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु के धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी क्यों होता है। जब भी किसी वस्तु को रगड़ा जाता है ना, तो दोनों में क्या होता है चार्ज हो जाता है, तो जिस पे से प्लस आवेश उतर जाएगा, जिस पे से प्लस, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस। तो दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाते हैं, तो जिस पर से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जिस पे से एक वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो धनात्मक, और जिस पे जाएगा वो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब्जेक्टिव में जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु पर आवेश का यहाँ देखिए क्या कारण इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, तो देखिए किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए आवेश का कारण इलेक्ट्रॉन इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ऋणात्मक आवेश होता है। जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो इनमें इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है धनात्मक, जिस पे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा धनात्मक, और पूछा जा रहा है कि जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है, जिसमें प्रवेश करता है वो क्या होता है ऋणात्मक हो जाता है। तो यानी हमारा ये जिसमें ऋणात्मक होगा वो बढ़ेगा आवेश। तो यहाँ पे आप लोग उसको याद रखिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आप देखिए एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी की पथ की लंबाई टी है, तो समतुल्यांक निर्वात की पथ की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा बाबू। यहाँ पे 150 क्वेश्चन लगभग में हम लोग को यही लगभग 8:30 तक इसको कवर कर लेना है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया निहाल बाबू, चलिए कोई बात नहीं है बाबू, कोई बात नहीं है, एलोन बॉय बहुत बढ़िया, दर्पण चौधरी बहुत बढ़िया। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि आप देखिए n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी के पथ में लंबाई t है, तब पूछा जा रहा है बाबू अगर आपसे कि समतुल्यांक में निर्वात में पथ क्या होगा, निर्वात में पथ क्या होगा, तो निर्वात में ओनली क्या हो जाएगा nt हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई माध्यम नहीं होता है, n माइनस वन इंटू टी ये सब कुछ नहीं होगा, 100% क्या होगा निर्वात में पूछा है, निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, हमारा क्या होगा nt हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप लोग सही कर दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाइए कि आसमान का रंग यहाँ देखिए नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन बाबू पूछा जाता है, तो बाबू ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि आसमान का रंग बाबू किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ आप देखिए क्या होता है, जब प्रकाश अपना माध्यम चेंज करता है तो क्या होता है आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण से ज्यादा होने के कारण क्या होता है पुनः वो इसी दिशा में लौट आता है। बहुत बढ़िया, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ना यहाँ देखिए प्रकीर्णन क्या होता है आपतन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो प्रकीर्णन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितने डिग्री का होता है, कितना संचार उपग्रह का आवर्तकाल पूछा गया है, फटाफट से यहाँ पे आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। सुषमा सहनी बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम देखिए जो भी पढ़िए जो एग्जाम में आए, क्योंकि यहाँ पे आपका एग्जाम का पैटर्न पता लग चुका है। यहाँ देखिए सेंटअप एग्जाम में भी, और यहाँ देखिए आपका जो अर्धवार्षिक हुआ था उसमें मॉडल पेपर सब में पता लग गया कि फिजिक्स उतना हार्ड,
नहीं आएगा और उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। देखिए संचार उपग्रह है, संचार उपग्रह है, उसका आवर्तकाल बाबू 24 घंटा एक बार 27, तो बाबू कुछ नहीं 24 घंटे का होता है किसका, संचार उपग्रह का। संचार उपग्रह में आवर्तकाल 24 घंटे का, यानी 24 आवर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आज ये कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। चलिए बताइए एक बार आंसर, शहजादी फातिमा, चलिए बहुत बढ़िया, रुस्तम सिंह वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर बता दीजिए, साहिद खान वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो अगर आपसे पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, बाबू 1+D/F आप लोग आवर्धन क्षमता निकालते हैं ना, तो इसका सूत्र क्या होता है बाबू, बी कैसे D+1/F, बी किसने बताया, बेवकूफ गेमिंग। बाबू यहाँ देखिए आंसर आपको सही देना है प्लीज, क्योंकि एग्जाम में एक दिन आपका और खत्म हो गया, ध्यान रखिए एक दिन और खत्म हो गया, सी वाला ऑप्शन राइट। अब देखिए बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख को उस दूर करने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये क्वेश्चन प्यार बच्चों शायद आपके मॉडल पेपर में भी था, ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा, आप लोग विश्वास बना के रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के किस दोष को दूर करने के लिए, तो अबिंदुकता को दूर करने के लिए। अबिंदुकता का मतलब क्या होता है, एस्टिगमैटिज्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस्टिगमैटिक्स में हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए प्रतिवर्ती विभव लगाने पर जो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट डीसी करंट आपका उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती विभव लगाने पर यानी एसी विभव, एसी विभव को लगाने पर डायरेक्ट एसी को क्या डीसी में कन्वर्ट कर दे, एसी विभव लगाने पर यानी एसी को क्या करे डीसी में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे डिस्टकारी कहते हैं। यानी एसी को डायरेक्ट किसमें चेंज करा है बाबू, ये डायरेक्ट करता है कौन, तो यहाँ देखिए डिस्टकारी यानी रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, समझते चलिए लेकिन जल्दी जल्दी बनाते चलिए। चलिए प्रकाशीय तंतु है, अब बता दीजिए फटाफट से, देखिएगा यहाँ पे दोनों भी लिखा है, ध्यान से ध्यान पर देखिए 100% श्योर होकर आंसर देना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब बताइए कि प्रकाशीय तंतु, जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु है क्या है, प्रकाशीय तंतु क्या है बाबू, ध्यान से आंसर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि एग्जाम आपके एक बहुत ही ज्यादा करीब है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। सुनील कुमार छोटू, चलिए कश्यप, शहजादी फातिमा बी वाला ऑप्शन, साहिद खान ए वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया, अर्चना सी ऑप्शन, मुस्कान बहुत हो गया जाएगा। चलिए फटाफट सागर पासवान जी ए वाला ऑप्शन, देखिए अब इसी में इतने बच्चे कंफ्यूज हो गए, बस हमारे मुंह से क्या निकला कि आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा, ये बात हमने क्यों कहा, सब बच्चे सी बता रहे थे सही बता रहे थे, लेकिन ये बात हमने इसलिए कहा ताकि अगर आप लोग एग्जाम में बैठेंगे ना, तो एग्जाम में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन जब बहुत ही ज्यादा करीब से देखेंगे ना टेबल पे, तो उस समय दिमाग में चलेगा कि क्या होता है क्या होता है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन ना दिमाग से निकलने लगता है प्रेशर में, तो ये प्रेशर नहीं लेना है, जो भी याद कीजिए कंठस्थ याद कीजिए, 100% याद कीजिए बाबू, ध्यान रखिएगा ऐसी ऐसी बात आपको कोई नहीं बताएगा परीक्षा से संबंधित। तो देखिए प्रकाशीय तंतु है क्या है प्यार बच्चों, संप्रेषण लाइन भी होता है, तरंग क्या होता है निर्देशक भी होता है, यानी जो प्रकाशीय तंतु होता है ये क्या होता है प्यार बच्चों, संप्रेषण लाइन और यहाँ पे तरंग, यहाँ पे क्या होता है निर्देशक होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोध जो होगा हमारा, दोनों का दोनों यहाँ पे सही आंसर होगा। तो याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से रॉन्ग हो गया गुरुजी, चलिए कोई बात नहीं शहजादी फातिमा, देखिए गलती से ही सीखिएगा ठीक है, तो गलती हमारे पास कीजिए लेकिन फाइनल में बाबू गलती मत कीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे क्या लिखा है, इंटेंसिटी का पूछा गया कि मात्रक क्या होता है, यानी तीव्रता का पूछा गया, सॉरी यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी का यहाँ पे मात्रक पूछा गया, आप क्या जवाब देंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाबू क्या होता है न्यूटन बटा क्या होता है प्यार बच्चों, कूलम्ब होता है, मीटर मत मार दीजिएगा, अगर यहाँ पे मीटर लिखा होता तो यहाँ पे मीटर बहुत सारे बच्चे मार देते, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं मारना है। तो अगर ये क्वेश्चन ये प्यार बच्चों 99.9% उम्मीद है कि पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पढ़िए पक्का है कि लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तो बोलिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर यानी क्या एनसी इनवर्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आज के पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, यानी पीएन संधि डायोड क्या होता है, तो जब एक एन प्रकार का यहां देखिए जब एक पी प्रकार का अर्धचालक और एक एन प्रकार के यहां देखिए अर्धचालक को आपस में संयोग करके उसको बना दिया जाता है, तो जो उससे संयोग से बनता है वो हमारा बन के क्या निकलता है, तो पीएन संधि डायोड निकलता है, जब एक एन प्रकार का अर्धचालक
और एक पी प्रकार का अर्धचालक। जब इसको आपस में यहाँ पे देखिए संयोग करके बनाया जाता है तो जो संयोग से निकलता है हमारा पीएन संधि डायोड निकलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पीएन संधि डायोड है इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो बाबू इसका प्रयोग करा जाता है किसमें, प्रवर्धक की तरह करा जाता है। किसके द्वारा? दृष्टिकारी तरह। बच्चे बता रहे वाह मेरे चेलो बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। सर मेरा नाम नहीं लेते अब इसे किसके तरह। चलिए और बच्चे बता दीजिए। शाहिद खान ए बता रहे। नहीं बाबू एक किसी भी हाल में नहीं होगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग होता है रेक्टिफायर की तरह एसी को डीसी चेंज करना। ध्यान रखना है बाबू। देखिए यही गलती यही हम आपको सिखलाते हैं यही सीख देते हैं कि आप लोग प्लीज आप लोग अपना कॉन्सेंट्रेट जो दिमाग है ना इसको एकदम अभी अभी से समझिए कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं और हमको सब सही करना है। एकदम प्रेशर में आके एग्जाम नहीं देना है। बस इस पे सोचिए कि हमको सही करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको सही कीजिएगा। देखिए पीएन संधि डायोड का जो उपयोग होता है ना एक दृष्टिकारी की तरह होता है रेक्टिफायर की तरह होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि आंख के उस दोष को दूर करना है जो विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करती है। यानी आंख को यहाँ देखिए उस गुण को जो विभिन्न विभिन्न दूरी पर एक वस्तु वहां तो एक वस्तु वहां यानी विभिन्न दूरी पर हो उसको यहाँ देखिए स्थित वस्तुओं को फोकस करने में यहाँ देखिए एक वस्तु यहाँ पे उसको फोकस करना है एक वस्तु कहीं और दूर है उस पर फोकस करना है। तो वो कौन सा ऐसा है प्यार बच्चों पार्ट जो कौन सा है प्यार बच्चों जो यहाँ देखिए फोकस करने में मदद करता है। दीर्घ दृष्टि दोष नहीं बाबू। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है वो क्या करता है फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया द किंग आकाश। चलिए अर्चना शाहिद वेरी गुड। इरमा इमरान आलम बहुत बढ़िया। एक बार वीडियो को भी शेयर कीजिए बाबू। नहीं चलेगा कंजूसी शाहिद खान बहुत बढ़िया पूछेगा। तो देखिए जो आंख के विभिन्न विभिन्न दूरी को फोकस करता है ना उसे क्या कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। प्यार बच्चों क्या कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए छिड़ता यानी क्या डेसिबल मापता है। यहाँ पे पूछा जाएगा छिड़ता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे यानी किसका डेसिबल डीबी यानी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला आज एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन बच्चा बताएगा एकदम फटाफट से बताइएगा। ये क्वेश्चन 99.9% है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा जल्दी जल्दी बता दीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 17 का बी बता रहे बच्चे बहुत बढ़िया मेरे चेला बहुत बढ़िया। अरे मेरे लाल बहुत बढ़िया 17 का बी। चलिए अर्चना बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ए बी ए बी ए बी पहले देख लेते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड सबका आंसर आना चाहिए। इसी प्रकार सबका आंसर आना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्यार बच्चों क्या होता है MLT^-3 और A-inverse होता है T^-3 A-inverse होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसका याद कर लीजिएगा बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। अगला आ जाइए कि साबुन के एक बुलबुले को जब यहाँ देखिए ऋण आवेशित किया जाता है यानी ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तब पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए आपने अभी पढ़ा है हमसे कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में तो दोनों आवेशित होते हैं और जिस पे से यहाँ देखिए जब आवेश रगड़ेंगे तो आवेशित हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे। तो जिस पे से इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी तो जिस पे से निकल जाएगा तो वो क्या होगा धन आवेशित होगा और जिस पे जाएगा वो ऋण आवेशित यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा उस पे बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा अगर किसी आप देखिए पानी के बुलबुले को साबुन के बुलबुले को आवेशित करेंगे यानी ऋणात्मक चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज होता है यानी ऋणात्मक आवेश देंगे तो पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है कि जब ऋण आवेशित होगा तो त्रिज्याएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पे ये बात बाबू पूरा दिमाग में सेट कर लीजिए 100% ये सब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। ये देखिए प्रकाश के रंग का कारण क्या है प्रकाश का रंग का कारण अगर पूछे प्रकाश का रंग का कारण बाबू सबसे बेस्ट आंसर है कि इसकी आवृत्ति होगी। प्रकाश के रंग का कारण क्या इसकी जो होगी प्यार बच्चों क्या होगी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है प्रकाश का रंग का कारण होता है क्योंकि प्रकाश जो रंगीन दिखाई देता है ना यही कारण है इसकी आवृत्ति क्योंकि ये क्यों प्रकाश कोई भी माध्यम चेंज करेगा ना तो ये क्या प्यार बच्चों होता है बदलता नहीं। चलिए चंद्रमा की धारिता लगभग होती है कितनी किसका पूछा है चंद्रमा की जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर लगाएगी। चंद्रमा की धारिता लगभग कितनी होती है चंद्रमा की धारिता लगभग कितनी होती है पृथ्वी की धारिता पूछा जाता है और चंद्रमा की भी धारिता पूछी जाती है। तो यहाँ पे सभी बच्चे आंसर लगाएंगे चलिए फटाफट 1422 चंद्रमा का पूछा गया 177 माइक्रो फेराडे याद रखना है 177 माइक्रो फेराडे
चंद्रमा की धारिता 177 माइक्रोफेराडे। तो बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन मत भूलिए, कहीं आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव है, यानी बाह्यतम जो अर्धचालकता होगा उसमें विद्युत चालन संभव होगा। तो प्रत्येक तापक्रम पे, निचले भी तापक्रम पे, ऊपर भी तापक्रम पे, यानी बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालन संभव होता है। आपको बताना है कि सर जी ये प्रत्येक तापक्रम पे क्या होगा, संभव होगा, निम्न ताप पे भी और उच्च ताप पे भी। तो यहाँ पे बाबू ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, कितना नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है ना। आप क्या जवाब दिए, प्रत्येक तापक्रम आपका सही होगा। चलिए वैद्युत बल रेखाएं चलती है, अब बता दीजिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो किस प्रकार चलती है, जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर बता दीजिए। सर सब्जेक्टिव कब करवाइएगा, सुबह में होगा, सुबह में होने वाला था, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आज सुबह में होगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए यहाँ पे कि वैद्युत बल रेखाएं। तो देखिए ये इतना छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपसे गलती हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है तो कभी भी क्या चलती है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी, प्यार बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या बताइएगा, तो ये धन आवेश से यानी पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाती है, तो ये निगेटिव में जाती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि धन आवेश से ऋण आवेश की, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यानी हमारा क्या होगा, ए वाला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो बाबू यहाँ पे बी सी मत बताइएगा, वैद्युत बल रेखाएं की बात किया जा रहा है, तो वैद्युत बल रेखाएं किसकी तरफ चलेगी, तो धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ। अगला आज एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कौन सी धारा, चौक कुंडली का प्रयोग कौन सी धारा। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि चौक कुंडली का, प्यारे बच्चों, प्रयोग किसमें किया जाता है, तो जो चौक कुंडली होता है ना इसको एसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है ये प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौक कुंडली से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अगला आज एक इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होता है यदि पाए जाते हूं। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन जो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में कब होगा, यहाँ पे आप समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में कब होता है, किस बैंड में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है प्यार बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में कब होता है, तो जब वह कंडक्शन बैंड में होता। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में तब होगा जब वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड में ओनली होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। चलिए नाभिकीय घनत्व की कोटि या यूरेनियम घनत्व की कोटि, ये अगर आपसे पूछता है घनत्व की कोटि पूछ दे, नाभिकीय घनत्व की कोटि प्यार बच्चों अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में, आप क्या जवाब दीजिएगा। तो इस हालत में बस आपको याद रखना है कि जिसका 10 का पावर 17 हो और वहीं हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और वहीं पढ़िए जो एग्जाम में आएगा। यहाँ आप देखिए वहीं पढ़िए जो एग्जाम में आएगा, और कल से देखिएगा प्यार बच्चों चुनिंदा क्लास इतना जबरदस्त जबरदस्त सही बता रहे, 5 को क्लास कल होगा, कल से देखिएगा एनर्जी पूरा दिन रात आपके लिए झोंक देंगे, भले सोएंगे नहीं हम बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन याद रखना है, क्या हो जाएगा 10 की पावर 17, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगा यदि समान फोकस दूरी एफ अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो इससे संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। अब बताइए यहाँ पे कि यदि समान फोकस दूरी वाले एफ दो अपसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब पूछा जा रहा है कि संयोजन से जो फोकस दूरी क्या बनेगी। बाबू क्या बनती है, यहाँ देखिए 2f बता रहे हैं, वाह मेरे शेरों बहुत बढ़िया, 2f कैसे बनेगा बाबू, संयोजन की फोकस दूरी आधी ना होगी, संयोजन की फोकस दूरी आधी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो जब फोकस दूरी आपस में है अभी सारे लेंस हो और एक दूसरे के संपर्क में होंगे ना, तो यहाँ पे जो संयोजन में फोकस दूरी बनेगी वो आधी हो जाएगी फोकस दूरी, यानी f बटा क्या 2, यानी क्या आधा हो जाएगा। यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन याद कर लेना। अगला आ जाएगी यदि किसी लेंस की क्षमता f है तो इसकी क्षमता का मान किस में निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए f है तो क्या हो जाएगा 1/f डायोप्टर, ये क्या होता है प्यार बच्चों, ये आप लोग यहाँ पे फोकस दूरी लिया, यहाँ पे देखिए फोकस दूरी दिया रहता है तो क्षमता आप लोग किस किस प्रकार निकालते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्षमता निकालते हैं p = 1/f, क्या हो जाता है आपका निकलता है ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही तो फॉर्मूला ही तो है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f दे रखा है तो क्षमता का मान क्या होता है p = 1/f। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि n प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्धि परमाणु कौन सा होगा। देखिए बाबू वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि ये जो 150 क्वेश्चन है ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे, गारंटी है हमारा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। सोलर भाई बहुत बढ़िया,
चलिए यहां आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है। किस एन प्रकार में क्या होता है? मुख्य सहवाह, यहां देखिए धारावाहक इलेक्ट्रॉन और पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें क्या सिलिकॉन में कौन सा अपद्रव्य डालेंगे, एसआई में कौन सा अपद्रव्य डालेंगे? बाबू एंटीमनी डाला जाता है, यानी क्या एसबी डाला जाता है। किसमें? तो यहां देखिए किसमें प्यार बच्चों, तो सिलिकॉन में क्या एसआई में क्या मिलाया जाता है? एसबी डाला जाता है, यानी एंटीमनी। एंटीमनी को क्या बोलते हैं? एंटीमनी क्या होता है? एक उपधातु होता है। क्या होता है बाबू? ये एक उपधातु होता है। तो यहां पे क्या मिलाएंगे? एसबी मिलाएंगे, यानी क्या प्यार बच्चों? एंटीमनी। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगी समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सर जी टाइम बताइए सभी क्लास का। मुन्नी कुमारी बाबू ग्रुप में जुड़ जाइए, बिल्कुल यहाँ पे 100% आपको उसी में मिलता रहेगा। चलिए बाबू यहाँ देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 100% ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने की समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी है, समानांतर सतह है तो उसमें पूछा जा रहा है कि शक्ति क्या होगी, तो यहाँ पे अनंत होती चली जाएगी। समानांतर सतह की पट्टी है तो पूछा जा रहा है कि शक्ति उसकी हमेशा अनंत होगी, इन्फिनाइट होगी। अगला आ जाएगी प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर हम लड़कियों से पूछना चाहते हैं, जितनी भी गर्ल हैं प्यारे बच्चों वो आंसर देंगी। यहाँ पे देखते हैं कि आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे जितनी भी गर्ल हैं सभी गर्ल यहाँ पे क्या करेंगी, इसका आंसर देंगे। चल यहाँ पे आंसर लगाइए बाबू, यहाँ पे सभी बच्चियां यहाँ पे आंसर लगाएंगी। अब यहाँ पे आंसर लगाइए कि प्रति चुंबकीय जो पदार्थ होता है क्या डाई मैग्नेटिक क्या क्या होता है, डाई मैग्नेटिक क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो चलिए बी बी आ रहा है, मुस्कान का भी बी आ रहा है, शाहिद खान का जीरो आ रहा है। वाह मेरे शेर, हम लड़की से पूछे थे। चंदन कुमार बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अधिक कैसे हो जाएगा बाबू, बहुत अधिक कैसे हो जाएगा? हृतिक कुमार बहुत अधिक नहीं होगा, क्या है बाबू यहाँ पे देखिए डाई मैग्नेटिक है ना, तो प्यार बच्चों क्या प्रति चुंबकीय है, प्रति चुंबकीय का क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ध्यान रखना है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों छोड़ना, प्रति चुंबकीय की चुंबकशीलता बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाएगी एलसीआर, यहाँ देखिए परिपथ में विद्युत अनुनाद होने पर आवश्यक शर्त क्या होगा। एलसीआर परिपथ है, कौन सा परिपथ है बाबू, एलसीआर परिपथ में उसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त कौन सा होगा। तो एलसीआर परिपथ में तो विद्युत अनुनाद के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा एल इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1/ क्या होता है, ओमेगा सी होता है, और यही इसका शर्त होता है। ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, 100% याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि विद्युतशीलता एक्स का यहाँ देखिए मात्रक क्या होता है, वैद्युतशीलता एक्स का मात्रक प्यारे बच्चों क्या होता है, वैद्युतशीलता का मात्रक आपको पता है ना, वैद्युतशीलता का मात्रक फैराडे प्रति मीटर, यानी क्या हो जाएगा फैराडे प्रति मीटर, और मीटर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप लोग बाबू प्लीज शेयर कीजिए और यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। स्वीटी अम्बेडकर बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है। अब यहाँ पे मजा आने वाला है, बॉय सब यहाँ पे रेडी हो जाइए, बॉय सब रेडी हो जाइए, जितने सारे बॉय है ना सबके सब बॉय रेडी हो जाइए, सबके सब। सुषमा सानी बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंग होती है, यहाँ देखिए हाइगेंस के अनुसार क्या होगा, अनुदैर्ध्य होगा कि अनुप्रस्थ होगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य होता है कि यांत्रिक अनुप्रस्थ होता है हाइगेंस के अनुसार। बाबू देखिए सुषमा यहाँ पे कौन है, शाहिद खान क्या रहा है। चलिए ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन इसके किसी बच्ची का एक बच्ची जाना पहचाना बच्ची भी बता रही थी, उसी को ढूंढ रहे हैं हम। क्या होता है प्यार बच्चों जल्दी जल्दी बाबू, यहाँ पे देखिए द किंग आकाश भी बिल्कुल गलत, 33 हम बिल्कुल काट देंगे, 33 बिल्कुल काटेंगे, क्योंकि हाइगेंस के अनुसार क्या होता है, प्रकाश का जो तरंग होता है, तरंग का पूछा गया है, वो कभी भी क्या होता है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। किसके अनुसार, तो हाइगेंस के अनुसार। बाकी तो आपको पता है कि प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। ऐसे में प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसको किसी संचरण की आवश्यकता नहीं है, यह विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी होता है, लेकिन हाइगेंस के अनुसार यहाँ पे लगा दिया है तो क्या होगा, यांत्रिक अनुदैर्ध्य होगा। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है और इसमें थोड़ी सी यहाँ आप देखिए आर्सेनिक की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो इसकी चालकता क्या होगी। अगर यहाँ आप देखिए अर्धचालक में अगर अशुद्धि मिलाएंगे, अर्धचालक में आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एक अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे तो उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि अगर कोई एक अर्धचालक में अशुद्धि को मिला दिया जाता है तो यहाँ पे उसकी चालकता क्या होती है,
बढ़ जाती है, तो मार दीजिए बढ़ जाएगी, क्योंकि ये क्या आर्सेनिक भी आपका अर्धचालक है और एक सिलिकॉन क्या है अर्धचालक है। तो ये आप देखिए कि अर्धचालक में प्यार बच्चों पूछा जा रहा है आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाएगा, चालकता तो बढ़ेगी ही, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हो तो मुख्य लेंस क्या बनेगा, दो को उत्तल को सटा दीजिए, दो उत्तल को क्या करना है सटाना है, तो दो उत्तल से जो समतुल्य लेंस बनेगा ना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा आपका उत्तल ही बनेगा। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, तो यहाँ आप देखिए ये सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया याद रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछे, जवाब दीजिएगा मात्र 30 सेकंड में, देखते हैं सबसे पहले किसका आएगा कि अगर समतल अवतल बनाना है तो क्या होगा, किस किस लेंस का प्रयोग होगा तो बनेगा समतल अवतल, समतल उत्तल नहीं है समता, यहाँ देखिए लावतल है, यानी यहाँ पे कौन कौन बच्चा बता देगा कि कौन कौन सा लेंस बनेगा जिससे समतल अवतल बनेगा, समतल अवतल है, समतल अवतल क्या बनेगा, कौन कौन लेंस लगेगा फटाफट बताइए, समतल और अवतल, बहुत बढ़िया भूमि गुप्ता, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप देखिए उत्तल और अवतल नहीं, और बच्चे बताइए, उत्तल और अवतल बहुत बढ़िया, और बच्चे समतल बता रहे हैं, उत्तल और अवतल मिलाइएगा सब समतल अवतल बनेगा, बहुत बढ़िया, उत्तल अवतल अवतल यहाँ देखिए समतल उत्तल बिल्कुल नहीं होता है, तो यहाँ पे ऐसे देख के आपको आंसर नहीं दे देना है कि समतल है तो समतल और उत्तल मार दीजिए कि समतल अवतल हो गया, नहीं उत्तल अवतल मिलके समतल अवतल बनता है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक एम्पियर बराबर होता है, एक एम्पियर कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे एक एम्पियर कितने के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने के बराबर होता है, तो एक कुलम, और यहाँ पे क्या होता है एक कुलम बटा एक सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना कुलम आवेश प्रवाहित हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं एक एम्पियर कहते हैं, यानी एक सेकंड में कितना प्यार बच्चों आवेश कुलम क्या हो रहा है प्रवाहित हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या एक कुलम प्रति सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, तो आप इसे भी साथ में याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि परम शून्य ताप पर अर्धचालक किस व्यवहार पर काम करता है, परम शून्य ताप पे। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि एक यहाँ देखिए परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पे यानी ताप है ही नहीं, तब पूछा जा रहा है कि अर्धचालक व्यवहार करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सही आंसर दीजिएगा, किस प्रकार काम करेगा, तो एक प्यार बच्चों पूर्ण चालक की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि परम शून्य ताप है, क्या है परम शून्य ताप है और एक अर्धचालक है, तो प्यार बच्चों यहां देखिए ताप बढ़ाने पर अर्धचालकता घटती है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकता घटती है जबकि चालक बढ़ता है, तो यहां देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए कि परम शून्य ताप पर यानी शून्य ताप है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा प्यार बच्चों यहाँ पे आपको याद है कि यहाँ पे एक पूर्ण चालक की तरह, अचालक कौन बोला है बाबू, पूर्ण चालक की तरह ना होगा, पूर्ण चालक नहीं, पूर्ण चालक तो हम कब से बता रहे हैं, टिक गलती लगा है बी मत बताइए, बोल रहे हैं पूर्ण चालक टिक गलती लगा था, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, बी कैसे 100% मार दिए, सिर्फ टिक गलती लगा था हमसे, पूर्ण चालक की तरह करेगा क्योंकि क्या है परम शून्य ताप है, अर्धचालक है, किस प्रकार, तो पूर्ण चालक की तरह 100% ये वाला ऑप्शन राइट आंसर याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो हम बोलते हैं कि बार बार आपकी एग्जामों में ये आता ही है, इससे संबंधित 100% क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताइए कि एक आवेशित खोखले गोलाकार चालक को भीतर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युतीय तीव्रता, तो तीव्रता पूछे, क्षेत्र पूछे, फ्लक्स पूछे, इस अवस्था में कभी भी मारिएगा क्या जीरो, और ये हम लिख के देते हैं कि ये जो तीन बताए ना इससे संबंधित एक क्वेश्चन अगर 100% ना रहा बाबू मिनिमम एक बता रहे हैं, मैक्सिमम तीन आ सकता है इससे क्वेश्चन, मैक्सिमम तीन आ सकता है इससे क्वेश्चन, आप लोग इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि दो यहाँ देखिए दो सेल की यहाँ देखिए जिनकी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और E2 से व्यक्त किया जा रहा है, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, तो समानांतर क्रम में जोड़ना है, तो बाबू क्या हो जाएगा E1 R1 प्लस क्या होता है E2 R1 बटा R1 + R2, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, यह ऐसे ही याद हो जाता है, तो यहाँ पे इतना निकाल के टाइम वेस्ट मत कीजिए, अभी आपका एग्जाम है, नहीं तो समानांतर क्रम में जोड़िए पक्का है इतना आएगा, E1 R1 प्लस क्या हो जाएगा E2 R1 होगा, लेकिन यहाँ पे E2 R2 लिखा है तो ये हमारा गलती हो जाएगा, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि और गेट का बुलिया व्यंजक, देखिए और गेट से 100% है, हम आपको क्या बता रहे हैं जो क्वेश्चन पूछेगा वही क्वेश्चन का हम तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि यही सब पोर्शन पढ़ के आपको एग्जाम में फटाफट करना है।
चलिए टाइम और ज्यादा प्यार बच्चों यहाँ पे और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं कि और गेट का बोलिए अभिव्यंजक क्या होता है, और गेट का क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या होता है और होता है, तो यहाँ देखिए a प्लस बी क्या हो जाएगा नॉर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, लेकिन हमसे क्या पूछा गया और पूछा गया, तो और हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा इसको याद कर लीजिएगा। अगला आज ये कि आप देखिए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनेगा, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखिए अवतल दर्पण क्या लिखा है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा तल, समतल दर्पण में समान बनता है, इनमें से कोई कोई नहीं, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जैसे हजामत में इसका प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट पीछे देखने वाला नहीं, साइड मिरर नहीं, हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बाकी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के नियम के अनुसार प्रकाश वर्ण का निर्णायक कौन है, यानी प्रकाश के तरंग गति नियम, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत, यानी जो प्रकाश गमन करता है तो उसके रंग जो निकलते हैं प्यार बच्चों उसका कारण क्या होता है, उसका कारण एक ही हो सकता है, उसका आवृत्ति, फुल फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जरूरत पड़ेगा, और कौन बच्चा है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर, रुकिएगा बाबू यहाँ पे ऐड आ गया है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे जरूर, और यहाँ पे एक बार वीडियो को शेयर करके लाइक नहीं किए हैं बहुत दुख की बात है, किसमें बदलना है वोल्टमीटर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है अधिक होता है, बहुत अधिक, वोल्टमीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो अगर यहां देखिए गैल्वेनोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है वोल्टमीटर में क्या लगाएंगे एक बार बता दीजिए, ये बता रहे उच्च प्रतिरोध का, किसमें उच्च प्रतिरोध लगाइएगा, किसमें उच्च प्रतिरोध लगाइएगा, हाई रेसिस्टेंस, बिल्कुल राइट आंसर है, किसमें किसमें किसमें, समानांतर या श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाएंगे तब जाके ये बदलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा के हम लोग गैल्वेनोमीटर को आमीटर यानी वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। अगला आज ये कि आप देखिए किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता है, अब यहाँ देखिए किस कारण जो वायु का एक बुलबुला है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देगा, तो ये प्यार बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, अब मजा आएगा, आवेश का चार्ज का पूछा गया कि यहाँ पे क्या पूछा गया कि सरफेस डेंसिटी यहाँ पे यूनिट कितना होता है, आवेश का पूछा गया है कि पृष्ठ घनत्व का मात्र क्या होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या होते हैं, न्यूटन प्रति कूलम्ब की कूलम्ब इनटू मीटर की कूलम्ब बटा बोल्ट, क्या लगाइएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या लगाइएगा मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूछा जरूर जाता है, न्यूटन प्रति मीटर, यहाँ पे देखिए एनसीएन वर्सेस का राइट आंसर होगा। अगला आ जाइए कि पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक जो पिन छिद्र कैमरा है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पे ये कार्य करेगा, जल्दी जल्दी यहां देखिए, जल्दी जल्दी यहां पे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से, अगर पूछा जाए कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पिन छिद्र कैमरा करता है सिद्धांत पे प्रकाश के रेखीय प्रसरण पे ये कार्य करता है, तो बाबू लोग तो यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है प्रकाश के रेखीय प्रसरण पे। अगला यहाँ पे आ जाइए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किसके द्वारा, वोल्टमीटर, मार दीजिए प्यार बच्चों यहाँ पे फटाफट से शेयर लाइक, और यहाँ पे इसका आंसर भी बता दीजिए, हम बता रहे हैं क्या होगा यहाँ पे कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, कौन कौन बच्चा सहमत है कि यही होगा इसका, कौन कौन बच्चा, मिकी कुमारी सोलांकी चलिए, कौन कौन बच्चा सहमत है कि यही होगा, चलिए विशाल कुमार गिरी सहमत है कि हाँ यही होगा सर जी, और बच्चे, और कोई बच्चा सहमत नहीं है, चलिए यहाँ पे सी वाला गैल्वेनोमीटर बता, वाह मेरे चेला गजब यार, गैल्वेनोमीटर सी बता रहे बबुआ, सी तो बिल्कुल 100% 45 का है सर जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओ सॉरी आवेश का पृष्ठ घनत्व था ना, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, पहले इसको देख लीजिए, यहाँ देखिए क्या है आवेश का पृष्ठ घनत्व है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है आवेश है चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है, सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, हबड़ाई में इतना हो गया। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सेल का यहाँ देखिए विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ईएमएफ किसका मापा जाता है,
सेल का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है, ये विभवमापी के द्वारा मापा जाता है, पोटेंशियल मीटर से मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन के, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक पूरे चक्र में अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट का मान कितना होता है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान कितना होगा, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान होता है हमारा शून्य। और देखिए अभी तक यहाँ पे देखिए कितना 47 हो गया, 747 और यहाँ पे देखिए 48 ही क्वेश्चन हो पाया है। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। यहाँ देखिए छिड़ता, यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि यहाँ देखिए तीक्ष्ण सीधी कोण से प्राप्त विवर्तन जो फ्रिंजें होते हैं वो क्या होती हैं। अब यहाँ देखिए तीक्ष्ण सीधी कोण से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तीक्ष्ण के सीधी कोण से 49 का देखिएगा बाबू की, तीक्ष्ण से सीधी कोण से पूछा जा रहा है कि प्राप्त विवर्तन फ्रिंजें क्या होती हैं, प्राप्त विवंतर फ्रिंजे क्या होगी। तो यहाँ देखिए समान चौड़ाई के होते हैं बाबू की, समान चौड़ाई के नहीं होते हैं। 49 का फटाफट से, तो यहाँ देखिए क्या है, तीक्ष्ण है तो तीक्ष्ण के सीधी कोण से विवर्तन, तो प्यार जो विवर्तन हो रहा है तो ये समान नहीं होगा, समान चौड़ाई के नहीं होंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। ज्यामितीय छाया नहीं बनाएगी, गलत, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ये भी गलत। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो बी ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 100%, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति वाई केवल होती है कौन सा, तो अल्टरनेटिंग में शक्ति वाई किसमें होती है, अल्टरनेटिंग करंट में, प्रतिवर्ती धारा में, अल्टरनेटिंग करंट में पूछा जा रहा है कि शक्ति वाई होती है। तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि शक्ति वाई किसमें होती है, 50 का अल्टरनेटिंग करंट में शक्ति वाई प्रतिरोध में, प्रतिरोध में, देखिए गलती मत कीजिए, प्रतिरोध में होता है। शक्ति का वाई किसमें होता है, यानी शक्ति का हर्ष किसमें होता है, वाई मतलब क्या प्यार बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन प्रतिरोध में होगा। अगला यहाँ पे आ देखिए, यदि यहाँ देखिए कांच, यहाँ देखिए वायु का क्रांति कोण, यहाँ देखिए थीटा दिया है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कोण, अब इसको निकालना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ देखिए इसको निकालने पे कोसेक थीटा आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, 15 मिनट टाइम ले लेगा इसको निकालने में, क्रांति कोण थीटा है तो वायु के सापेक्ष कांच का भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको याद रखिए, बाकी हम करा देंगे। अगला यहाँ पे आ जाइए कि जब कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस समय होता है कि द्रव्यमान बढ़ भी और घट भी सकता है, उस समय होता है ना कि जब कोई वस्तु को हम आवेशित करेंगे, चार्ज देंगे, तो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। लेकिन उसमें क्या होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि प्लस जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, माइनस चार्ज जाएगा बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को ऋण आवेशित यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया जाता है, जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा भेजी जाएगी, द्रव्यमान क्या होगा उसका, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या मारिएगा कि बढ़ता है, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला आ जाइए कि यहाँ देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, बता दीजिए पृथ्वी की त्रिज्या, आप देखते हैं कौन सा बच्चा टॉपर है, यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताता है। चलिए कौन बच्चा टॉपर है, चलिए शाहिद खान, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अर्चना, 50 का बी, 53 का बाबू क्वेश्चन चल रहा है, 53 स्वीटी अम्बेडकर बी वाला, नहीं बाबू नहीं, बिल्कुल टॉपर बनना है। मिक्की कुमारी सोलंकी, बहुत बढ़िया, सब बच्चे टॉपर हैं, सब बच्चे टॉपर हैं, और सबको क्या देना है, सी ऑप्शन, सजादी फातिमा, 53 का बाबू बी नहीं होगा मेरे प्यारे बाबू, गलती नहीं, एटीट्यूड बॉय, नेट इशू, कोई बात नहीं, लगे रहिए। नंदनी सानी, सी वाला ऑप्शन 100%, पूरा 100% होगा। क्या होता है कि आप देखिए पृथ्वी की त्रिज्या लगभग होती है 6.4×10^6, ये पूछ सकता है, त्रिज्या पूछा है, धारिता नहीं। तो यहाँ पे प्यार बच्चों ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस रंग का प्रकाश, यहाँ देखिए क्रांति कोण सबसे कम होता है बाबू, क्रांति कोण यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ देखिए क्या प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ देखिए कांच से हवा में प्रवेश कर रहा है, तो क्रांति कोण कांच से हवा में यानी कांच से बाहर निकल रहा है, तो क्रांति कोण बाबू आराम से मारिए कि बैंगनी रंग का सबसे कम होगा। क्रांति कोण सबसे कम किसका, सबसे तरंग दर्द ज्यादा का होता है और विचलन कम होता है, तो सबसे पहले तो लाल रंग यहाँ पे निकल जाएगा, और सबसे यहाँ देखिए क्या होता है, तरंग दर्द कम यहाँ देखिए और विचलित ज्यादा कौन होता है, बैगनी होता है, तो सबसे लास्ट में कौन निकलेगा, हमारा बैगनी निकलेगा। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की, आप देखिए प्रकाश किस प्रकार के कंपन से बनती है, यानी जो प्रकाश होता है हमारा सूर्य का प्रकाश हो गया, किस प्रकार के कंपन से बनता है, तो ये बनता है प्यार बच्चों क्या, इथर कण से, इथर के कण से ये प्रकाश प्यार बच्चों कंपन से बनता है, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। अगला आज ये कि आप देखिए विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा, 99.9999% यानी 9 पे को बार लगा दीजिए अब, यानी इतना परसेंट चांस है कि ये पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा। जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर लगाइए,
वहीं पढ़िए जो एग्जाम में आए। अब देखिएगा आएगा जरूर। ये देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, एमएल के पावर थ्री, टी के पावर माइनस थ्री और इनवर्स। जल्दी जल्दी बता दीजिए बाबू। मनीष अतुल बहुत बढ़िया, मनीष बाबू गलती मत कीजिए, सॉरी सर आई एम न्यू स्टूडेंट। इंतसर अहमद बिल्कुल यहाँ पे न्यू है तो वेलकम है बाबू। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एमएल के पावर थ्री, टी के पावर माइनस थ्री और ए इनवर्स। जिस पे बोल रहे हैं ना कन्फर्म, तो उसको आप लोग उसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा एग्जाम में वो आएगा कि नहीं, पूरा 100% है। देखिए परमाणु बम क्या होता है, परमाणु बम जो कार्य करता है, परमाणु बम जैसे आप देखिए नागासाकी में, हिरोशिमा में, जापान में गिरा था, परमाणु बम कितना आकृति का होता है वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, जितना बड़ा होगा उतना वो खतरनाक होता है। तो प्यार बच्चों ज्यादा ज्यादा हमारे बड़ा होगा, हमसे बड़ा होगा, मान लीजिए कि इस हमसे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, यानी आकार पे होता है, लेकिन वो क्या करता है पूरा यहाँ पे देश को ही नष्ट कर देता है, आसपास के एरिए को भी नष्ट कर देता है। तो यहाँ देखिए मारुति बराबर गिरा दिया जाए ना, तो प्यार बच्चों कितना देश को वो लपेट लेगा, यानी वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। यहाँ पे क्या होते हैं छोटे छोटे नाभिक संलयन करके क्या करते हैं फटते रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है हल्के हल्के नाभिक संलयन करेंगे वो फटता रहेगा, हर जगह जा जाके क्या करेगा वो फटता रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या, परमाणु बम जो आधारित होता है किस पे, तो नाभिकीय रिएक्टर, यहाँ पे नाभिकीय संलयन ही है, नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ देखिए रिएक्टर, यहाँ पे संलयन होना चाहिए रिएक्टर, यहाँ पे देखिए रिएक्टर ही हो जाएगा क्योंकि संलयन नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर ही इसका राइट आंसर होगा, वही होता है सॉरी नाभिकीय रिएक्टर ही होगा। प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, प्लांक कांस्टेंट का पूछा गया है कि डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एमएल के पावर टू, टी के पावर माइनस वन। बस छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला आज है कि निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग फाइनल नोट से सूचित करते हैं। अब बताइए कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति, या फिर न्यूटन वोल्ट प्रति क्या होता है प्यारे बच्चों, बी होगा ना बाबू, कौन कौन मारेगा बी और कौन कौन मारेगा डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबू यहाँ पे याद रखने की एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, देखिए कौन से ऑप्शन में कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका, तो यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट यानी क्या निर्वात में वैद्युतशीलता का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी में दिख रहा है, नहीं यहाँ पे देखिए किस में दिख रहा है, ये डी वाला में दिख रहा है, तो डी वाला मारिएगा यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। अगला आ जाइए कि आप देखिए ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किस में, ध्वनि किस में सादा सबसे तेज होगा, चोंगा, चोंगा आप लोग सुने होंगे माइक टन टन लगता है इनके, मान लीजिए कि 10 गो माइक है और आपका एग्जाम है और उस माइक को क्या कर दिया जाए, उस माइक को आपके घर की तरफ लगा दिया जाए। ध्वनि की गति प्यार बच्चों सबसे ज्यादा किस में होती है, यहाँ बताइए फटाफट से कि ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किस में होगी, सभी में कैसे होगी बाबू, याद डी सभी बता रहे, वाह मेरे शेरो, ध्वनि की गति यहाँ भी गैसों में होगी, सभी में होगा, कुछ में भी नहीं होगा, याद रखना है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में, ठोस में सॉलिड में होता है, सॉलिड इन सॉलिड यहाँ पे ठोस में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे याद रखना है द्रव में नहीं होता है। अगला आ जाइए कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, जड़त्व के नियम प्यार बच्चों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो साहब ने दिया था, कहाँ है गैलीलियो साहब, यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 150 के 150 क्वेश्चन देखा जाएगा। अब देखिए 62 नंबर की 1 ग्राम आप देखिए द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य होती है बाबू, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 ग्राम द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य होगी, 1 ग्राम द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य होगी बाबू, फटाफट से आंसर बता दीजिए कितने ऊर्जा के तुल्य होगी, तो 9×10^13 कहाँ पे है, 9×10^8 जूल, ये प्यार बच्चों तो इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया है, ये भी नहीं होगा, क्या होगा 9×10^13 जूल के बराबर होता है। यहाँ पे याद रखना है कि 1 ग्राम द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य होती है, तो ये 9×10^13 जूल के तुल्य होती है। अगला आज ये कि 1 AMU बराबर होता है, इसका प्यार बच्चों यहाँ पे पूछा गया था ना सेंटअप में, तो ये पूछा गया था इसमें इसका मान डायरेक्ट पूछ लिया था, वैल्यू निकाल के पूरा इसको सॉल्व करके दिया था कि 1 AMU बराबर होता है, सेंटअप में दिया था ना, तो वो पूछ दिया है, तो वो नहीं पूछेगा, अब इससे संबंधित सवाल पूछेगा तो यही डेफिनेटली 100% पूछ सकता है। तो प्यार बच्चों इसी प्रकार से आंसर बनाया जाता है, गेस किया जाता है कि कौन पूछ दिया है, कौन नहीं पूछेगा, कौन पूछ सकता है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए 1 AMU बाबू यहाँ पे याद रखना है 1.6×10^-27 kg के बराबर होता है, 10^-27 kg के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप लोग लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं बाबू, बिल्कुल गलत बात है। अब देखिए 64 नंबर की नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितने से घटती है, हीलियम का नाभिक क्या होता है, यहाँ देखिए
नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर। अल्फा क्या होता है, अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, ये आपको पता होगा। वही क्वेश्चन है कि नाभिक नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितने से घटेगा, बाबू दो से घटता है, अल्फा कण से उत्सर्जित होगा परमाणु संख्या दो से घटेगा, हमेशा आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, आप बता दीजिए प्रकाश की किरण विचलित नहीं होगी समतल दर्पण से लंबवत परिवर्तित होने पर, तो इससे तो विचलित हो जाएगी, समतल दर्पण के लंबवत परिवर्तित होने पे हो जाएगी, समतल दर्पण से तिरछा परिवर्तित होने पे ये भी हो जाएगा, प्रिज्म से होकर होगा तो बाबू तो विचलित होता ही है, किसमें नहीं होगा तो एक आयताकार पट्टी के समानांतर सतह के अपवर्तित होने पर यह नहीं होगा, तो डी वाला डेफिनेटली यहाँ पे मारिए, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अगला आ जाइए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया, बता दीजिए अब मान जाएंगे, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था एक बार बता दीजिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था, फटाफट से आप लोग आंसर बता दीजिए। चलिए 66 नंबर, शहजादी फातिमा स्वीटी, शाहिद, अतुल पटेल बहुत बढ़िया, उमजा परवीन बहुत बढ़िया, शाहिद खान वेरी गुड, चलिए खुर्शेद अली बहुत बढ़िया, यूपीएससी ड्रीम गर्ल हाईगेंस, हाईगेंस हाईगेंस के अनुसार प्रकाश के रंग का निर्णायक कौन है, उसका आवृत्ति है, यह भी आपको याद रखना है। द्वितीय तरंग के आविष्कारक कौन थे, तो यही हाइगेंस थे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया, हाइगेंस ने दिया, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, हाइजेन। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग का मात्रक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम यहाँ पे, सॉरी किलोग्राम यहाँ पे क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड कहाँ पे, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम यहाँ पे देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम प्रति, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति का मतलब होता है बटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स कितना होगा, अब मजा आएगा, हम आपको क्या बतलाएं, बार बार यही पढ़ा रहे और यही आपको बार बार समझा रहे ना बाबू, आपको एक ही बात बार बार समझा रहे कि ये क्वेश्चन आपको दो या तीन दिखेंगे, मिनिमम तो एक दिखेगा ही, कि उसके अंदर क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, तीव्रता क्या होगा, उसका विभव क्या होगा, जरूर रहेगा प्यारे बच्चों, हर एग्जाम में दो क्वेश्चन, तो कम से कम दो क्वेश्चन रहता है, लेकिन उसमें भी हम एक माइनस कर दिए, ऑफर दिए हैं 1% का, लेकिन ये ऑफर ना मिले, इसमें का 4-5 को क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से बल्ले बल्ले करके बना सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं होने वाला है। कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स पूछा है ना बाबू, फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स हमारा हमेशा होता है शून्य, तीव्रता पूछे क्या होता है, शून्य होता है, क्षेत्र पूछे हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अगला आ जाइए कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम क्या हो जाए, 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, यानी 1 ग्राम में 80 कैलोरी निकलता है, बर्फ की ऊष्मा यानी बर्फ में ऊष्मा कितना निकलता है, तो 80 कैलोरी ऊष्मा निकलता है 1 ग्राम में, 1 ग्राम में 80 कैलोरी ऊष्मा बर्फ से निकलता है, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में लाल रंग का प्रकाश विचलन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी चाल क्या होती है, पूछा गया है कि जब प्रिज्म से आप देखिए, जब प्रिज्म से आप देखिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम होता है, उसमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन यानी फैलाव सबसे कम होता है, तो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है क्यों होता है, कि इसकी चाल क्या होती है, तो सभी रंगों के प्रकाश से अधिक होती है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो होता है ना सबसे ज्यादा हाई होता है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए बर्नौली का प्रमेय आधारित है, देखिए बर्नौली का प्रमेय हो, यहाँ देखिए किरचॉफ का सेकेंड रूल हो, द्वितीय नियम हो, जिसको हम लोग पांच नियम बोलते हैं, ये सब किससे आधारित होता है, यहाँ आप देख लीजिए बर्नौली का प्रमेय हो, किरचॉफ का द्वितीय नियम हो, ये प्यारे बच्चों किससे समझ, यहाँ आप देखिए किस पे रहता है, पूछा जा रहा है किस पे आधारित होता है, तो ये सब प्यारे बच्चों होता है ना, ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण, आप लोग टिक कीजिएगा, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। अगला आज ये क्वेश्चन कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दे दिया इतना इतना, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तन क्या होगा, जल का कांच के सापेक्ष, पहला यहाँ देखिए जल का कितना है, ये क्या है बाबू हमारा जल का है, और ये क्या है बाबू यह हमारा कांच है, तो यहाँ पे आप लोग निकाल दीजिए क्या होगा, पूछा जा रहा है क्या कि आप देखिए जल का कांच का सापेक्ष, तो यहाँ आप देखिए जल का कांच के सापेक्ष यानी बड़का बट्टा क्या 3/2, यानी ऊपर तो यहाँ पे 4/3, अब यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर था क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी क्या 8:9 होगा, देखिए तो कोई ऑप्शन है 8:9 आ रहा है,
देखिए आ रहा है यहीं पे डी वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। पूछा गया कि इसके सापेक्ष क्या होगा, तो यहाँ पे सापेक्ष यानी मतलब क्या बट्टा होता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको निकाल दीजिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है, बता दीजिएगा क्या होगा, एक पी प्रकार का अर्धचालक या एक एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। तो वो प्यार बच्चों कभी भी आपको याद रखना कि यह आवेशित नहीं होता है, अनावेशित होता है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, चाहे पी प्रकार का हो चाहे वो एन प्रकार का हो, आवेशहीन होते हैं ये सब। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि नाभिक की त्रिज्या की कोटि, बाबू पूछा जाएगा इसलिए पढ़ाया जा रहा है, पूछा जाएगा इसलिए पढ़ाया जा रहा है। कल से देखिएगा क्लास में जो रौनक होगा ना बाबू, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि कल से पूरा जोश जुनून एनर्जी के साथ क्लास होगा, एकदम बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट। तो यहाँ पे सभी बच्चे को आना है कल का क्लास में। नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होगी, क्या होगी, 10^-15 मीटर, 10^-15 मीटर, यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। चलिए पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर, यानी पृथ्वी की सतह से आप लोग जितना ऊपर जाते जाइएगा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, देखेंगे कहा। चलिए फटाफट से तिरुपति बहुत बढ़िया, वीआईपी क्वीन शाहिद बहुत बढ़िया, घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटता चला जाएगा, जितना ऊपर जाइएगा गुरुत्वाकर्षण का प्यार बच्चों क्या होगा, कम होता चला जाएगा, जाते जाते ऐसे जाएगा कि हवा में, मान लीजिए आप ऊपर जा रहे हैं हवा में जाते जाते एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वाकर्षण बल होगा नहीं, जाते जाते हवा में ही लटक जाइएगा, जैसे जाइएगा उसको मतलब पार कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कहाँ चले जाइएगा, अंतरिक्ष में चले जाइएगा, तो वहाँ पे हवा में ही आपको तैरना पड़ेगा, हवा में ही आपको क्या करना पड़ेगा सब चीज, लेकिन खुला में तो रहिएगा तो ऐसे ही चले जाइएगा, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे है ही नहीं, जैसे वहाँ पे पहुँचेगा उससे पहले ही आपका क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो यानी पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। अगला आज ये कि दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, तो दाता अपद्रव्य कितने होते हैं बाबू, यहाँ देखिए इम्प्योरिटी एटम पूछा गया है, वैलेंसी बता दीजिए, द वैलेंसी ऑफ डोनर इम्प्योरिटी एटम इज, दाता अपद्रव्य परमाणुओं की संयोजकता कितनी होती है, आप बताइएगा सर जी, 4 होता है, यानी बी वाला ऑप्शन राइट। और एग्जाम का एक दिन और खत्म हो गया है बाबू, टाइम यहाँ पे, तो यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान रखिए। यूरेनियम नाभिक का घनत्व पूछ दे, घनत्व क्या, 10^17, यूरेनियम नाभिक का घनत्व कुछ भी पूछे, घनत्व लगा दे, मार देना है बाबू, क्या 10^17 ढूंढिए, टिक कर दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज जब श्यामदी सूक्ष्मदर्शी की नली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि अगर सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाएंगे आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ेगी आवर्धन क्षमता भी क्या होगा, बढ़ेगा ना, नली बढ़ाइएगा आवर्धन क्षमता का मान भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको, अरे बी कैसे होगा प्यारे बच्चों, घटेगा कैसे, चलिए फटाफट से, चलिए जल्दी जल्दी, 76 का सी होगा गुरुजी, एक मिनट देख लेते हैं बाबू 76 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, हो सकता है गलत टिक भी लग जाता है कभी कभी। दाता अपद्रव्य वाला क्वेश्चन था क्या, दाता अपद्रव्य वाला क्वेश्चन था क्या बाबू, दाता अपद्रव्य क्वेश्चन होगा क्या, दाता अपद्रव्य तो 4 ही होता है ना, अनामिका रानी 5 होगा, दाता अपद्रव्य 5 होता है, दिमाग पर से हमारा उतर गया है, हमको तो जहां तक लग रहा है कि 4 ही होता है, दाता अपद्रव्य 5 होता है बाबू। यहाँ पे देखिए अभी हमारे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया है, हाँ सर जी 5, थोड़ी सॉरी उसके लिए, अभी हमारे दिमाग पे वो नहीं आ रहा है कि कितना होता है, दाता अपद्रव्य 5 होता है कि 4, हमको शायद 4 लग रहा है कि दाता अपद्रव्य 4 ही होता है, लेकिन 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, 4 होता है, फास्ट सर जी, जी हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को सच, आप देखिए फिर भी अगर आपको लोग को लगता है तो यहाँ पे उसको एक बार फिर से एक बार हम देखिए इसमें पिन कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल पिन कर दिया जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए 5 होता है गुरुजी, चलिए कोई बात नहीं, हमसे ही मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन दिमाग पे अभी थोड़ा सा नहीं चढ़ रहा है, दिमाग पे अभी नहीं चढ़ रहा है हमारा, हम लेकिन आपको बता देंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, इतना तो आप लोग में काबिलियत है ना, यही हमारे लिए बहुत है कि इतना तो आप लोग में काबिलियत है ना कि आपको पता तो चल रहा है कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, बिल्कुल इससे तो हम बहुत ज्यादा खुश है, चार्ज होगा। चलिए बाबू इसका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, चलिए यहाँ आप देखिए इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा बस यहाँ पे क्लास होने के बाद, लेकिन आप लोगों में ये काबिलियत है ना, सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है कि आप लोग में ये काबिलियत है कि हाँ यहाँ पे गलती हो रहा है तो आप टोक सकते हैं, बहुत अच्छा लगा, एक बार अपने आप के लिए पीठ थपथपा लीजिए कि आप लोग हैं उस काबिल, बन गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, इतना अपने में
याद रखिएगा ब्रोकेन गर्ल। चलिए चार और पांच में लड़ाई मत कीजिए, हमारे दिमाग से उतरा है हम बता देंगे। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, यानी अवरक्त भाग में पड़ेगी कौन, हम्फ्रीस यहाँ पे हो जाएगा, ब्रेकेट हो जाएगा। सबसे अच्छा बात आपको पढ़ा है कि लाइमन श्रेणी कहाँ पड़ती है, ये पराबैंगनी में पड़ती है। तो हमसे क्या पूछा गया कि कौन अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, तो लाइमन श्रेणी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला है कि आप देखिए किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब यहाँ पे बता दीजिए कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाबू क्या जवाब दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अनंत प्यारेलाल नहीं होगा, उसका हो जाएगा शून्य, यानी क्या होगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है, तो समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति हमेशा अनंत होती है। 81 का क्या होगा, कौन कौन अनंत मारेगा, एक बार पहले देखेंगे फिर आंसर बताएंगे, कौन कौन मारेगा अनंत। देखिए MRI कौन, स्वीटी अंबेडकर है अनंत। बाबू कैसे समानांतर सतह सुषमा सुहानी का भी आया बाबू, गलत। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंदनी सहानी नेटवर्क प्रॉब्लम बाबू। चलिए यहाँ पे आज बिल्कुल क्लियर है, देखिए समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति हमेशा शून्य होती है, हमेशा शून्य होती है, तो अनंत बाबू नहीं मारना है, हमेशा शून्य होती है, तो यहाँ पे आपको हमेशा याद कर लेना है शक्ति क्या होगा शून्य होगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी, आप देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है वो कौन सा बल है। यहाँ देखिए रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होता है वो कौन सा बल होता है, कौन सा बल होता है बाबू, अल्फा कण किससे प्रकीर्णित होगा, तो वो कूलम्ब बल। क्यों कूलम्ब बल, क्योंकि कूलम्ब बल जो होता है हमारा क्या होता है, केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा कूलम्ब बल ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए, अगला है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा अनंत होती है, तो प्यारेलाल डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी आपको सही करना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की, जब आप देखें समानांतर पट्टी का वायु संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, जब समानांतर पट्टी की और यहाँ देखिए संधारित्र की, और यहाँ पे क्या पूछा है समानांतर पट्टी का वायु संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो जब यहाँ पे समानांतर पट्टी का संधारित्र और वायु की पट्टी के संधारित्र की धारिता यहाँ पे दूरी बढ़ाई जाती है, धारिता घट जाएगी, दूरी बढ़ेगी धारिता घटेगी, दूरी बढ़ेगी धारिता घटेगी, घटेगी घटेगी मारना है 84 मार रही है नंदनी सहानी, घटती है बाबू, घटेगी घटेगी, दूरी बढ़ रहा है घटेगा, 84 का घटेगा होगा बाबू, दूरी बढ़ रहा है तो घटेगा, दूरी बढ़ रहा है तो घटेगा, ध्यान रखिएगा दूरी बढ़ रहा है तो घटेगा, दूरी बढ़ रहा है बाबू, यहाँ पे दूरी बढ़ रहा है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि धारिता घटेगी 100% की घटेगा, तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की, निम्नांकित में से किसके लिए वेदन क्षमता महत्तम होगा, किसका बाबू, किसका वेदन क्षमता महत्तम। आपको पता है कि गामा किरण का वेदन क्षमता महत्तम होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है, इसलिए इसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे, तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी किस पे निर्भर करेगी, तो प्रकाश की, ये ओनली तरंग दैर्ध्य पे करती है, मार दीजिए बी वाला, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश की ओनली तरंग दैर्ध्य पे करेगी, इनमें से कोई नहीं कैसे होगा, यहाँ आप देखिए इनमें से कोई नहीं होगा, तरंग दैर्ध्य पे करेगा। अगला आज ये कि विद्युत लेपन में, बाबू विद्युत लेपन में दिष्ट धारा प्रयोग किया जाता है, मार दीजिए विद्युत लेपन में बात करें प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यहाँ पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन में पूछा जा रहा है कि व्यवहार आने वाली धारा कौन सी होगा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कभी भी दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है। अगला आज ये कि एक स्टेट कुलम, इसमें तो बहुत ज्यादा बच्चे दिमाग खाते हैं, इतना गलती इसको बताया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कुलम, यहाँ देखिए एक स्टेट कुलम में कितने कुलम होंगे, क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक स्टेट कुलम में कितने कुलम्ब होंगे बाबू, एक स्टेट कुलम में कितने कुलम्ब हो गए बाबू। देखिए बहुत सारे बच्चे बताएंगे बी बाबू, ये 100% गलत काट देंगे हम, और आपको भी ये नहीं मारना है तो नहीं मारना है, नहीं मारना है तो इसको नहीं मारना है। रजनीकांत बहुत बढ़िया, यहाँ पे मारना है कि एक स्टेट कुलम्ब में कितना कुलम्ब होगा, तो बाबू कितना कुलम्ब होगा, तो 1/3 × 10⁻⁹ कुलम्ब होता है, 100% याद रखना है। रजनीकांत नाम है, रजनीकांत, और काम यहाँ पे आंसर गलत,
ये कैसे होगा रजनीकांत, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे याद रखना है आपको क्या, 1/3 × 10⁻¹⁹ होता है एक स्टेट कूलम में, कितने कूलम, तो यहाँ पे देखिए 1/3 × 10⁻¹⁹ कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई संधारित्र यहाँ देखिए उपलब्ध हो तो उसके यहाँ देखिए समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे जोड़ा जाएगा। तो उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए कभी भी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कभी भी याद रखिएगा कि किसी भी संधारित्र में अगर आपको उच्चतम धारिता प्राप्त करना है तो उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए कभी भी समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा है समानांतर क्रम, तो यही है समानांतर क्रम। ये बार बार बाबू बताना नहीं, हम इसलिए नहीं समझाते कि इसको कई बार समझा चुके हैं। याद दिखे संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे प्लेट के पहले प्लेट से और दूसरे प्लेट के दूसरे प्लेट को तीसरे प्लेट से पहले प्लेट से, तो ये बताने की क्या जरूरत। इसी क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम, यहाँ पे संधारित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि समूहन में उच्चतम धारिता अगर प्राप्त करना है तो समानांतर क्रम में जोड़िए। अगला, आज के आइंस्टीन को निम्नलिखित कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आइंस्टीन के लिए किसके लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, किसी भी वस्तु पे यहाँ पे प्रकाश पड़ती है तो अगर वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगे उसे क्या कहेंगे, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पड़ेंगे। यानी प्रकाश पड़ने पर किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होने लगे, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। अब देखिए किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, बता दीजिए, दिमाग लगाइएगा ना, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा। एक बार बाबू वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। गोपालगंज का छोरा बाबू अपना नाम लिखिए, कोई नाम है गोपालगंज का छोरा, चाहे कुछ नाम लिखिए, आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए आकाश बाबू बहुत बढ़िया है, वो पगली के पगला था बेचारा, अभी आ रहा है क्लास करने लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बाबू नाम चेंज कर लीजिएगा, जरूर नाम लेंगे। चलिए प्रियंका कुमारी बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती, कभी भी 1 कूलम से कम नहीं होगा, कभी भी यहाँ देखिए 1 कूलम, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन से, आवेश का मतलब क्या, 1 इलेक्ट्रॉन से कभी भी कम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा है कि क्या होता है, उसमें पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो पूरा गुणज के रूप में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 100 इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो प्यार बच्चों के 50 इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, पूर्ण स्थानांतरण होता है, यानी आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है, कितना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। अगला, आज के निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, यानी यहाँ बताना है कि किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, किसका होगा, सोडियम का कार्यफलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि सोडियम का कार्यफलन न्यूनतम होता है। नासरीन खातून ले लिए बाबू नाम, बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। HS शॉर्ट, ये कौन है बाबू, डेली डेली मेरा जन्मदिन मनाता है ये बच्चा, पता है नहीं, बहुत जल्दी बुढ़ा करने वाला है बच्चा ही हमको। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि UHF परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यता संचरित होती है। ये क्वेश्चन है कि UHF परिसीमा की आवृत्तियां सामान्यता संचरित होती है, तो UHF में क्या कौन सा होता है, अंतरिक्ष तरंग द्वारा, अंतरिक्ष तरंग द्वारा, यहाँ आप देखिए आपको याद रखना है UHF में क्या हो जाएगा, अंतरिक्ष संचारण द्वारा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम किसमें होगी, जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर बता दीजिए। चलिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए, देखिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अधिकतम होती है किसमें, अचालकों में ना, 94 का क्या बताइएगा, फटाफट से बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके फटाफट। विकास रंधीर, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, बिल्कुल बाबू बी कैसे होगा, अचालक हम बताए ना अभी किसमें, अचालकों में होता है, फॉरबिडन ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई अचालक में अधिक होती है। अगला, आज के उपग्रह संचार में कौन सी विद्युतीय चुंबकीय तरंग, यानी उपग्रह संचार में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग का, यानी क्या हो जाएगा, माइक्रो तरंग का प्रयोग किया जाता है, ये सब आपको पता है। अगला, आज के इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पूछा गया, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा गया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, ये फटाफट सभी को याद होना चाहिए, हम तो बोलेंगे सबको याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। देखिए यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए बाबू, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8×10⁻¹⁹
कूलम प्रति केजी, ये आपको बाबू 100% याद रखना है। और आज का सेशन देख रहे हैं ना, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा ना आपका कंफर्म हो गया होगा, गारंटी है, लिखित है, क्योंकि हम वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि भी आवृत्ति वाले फोटोन के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग सी हो तो संवेग क्या होगा, एच बी बटा सी होगा, क्योंकि क्या है इसके साथ संवेग क्या है, संवेग सी जुड़ा हुआ है, संवेग सी जुड़ा हुआ है, तब यहाँ पे देखिए प्रकाश का वेग पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो एच बी बटा सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन की अर्धचालक में अपद्रव्य डालने पर क्या होता है, अगर कोई अर्धचालक में अपद्रव्य डालेंगे तो प्यार बच्चों उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी ना, अर्धचालक बनता ही है अपद्रव्य से, यानी उसमें और अपद्रव्य डालिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी चालकता बढ़ जाएगी, यानी क्या होगा उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, उसकी चालकता बढ़ जाएगी, यानी डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक तो अर्धचालक उसमें क्या एंटीमनी अपद्रव्य, एक एंटीमनी होता है उसको भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल दीजिएगा तो क्या होगा वो बढ़ेगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि द्रव की एक बूंद को जब आवेशित किया जाता है तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, तो द्रव का है, द्रव का एक बूंद है उसको आवेशित जब उस पर चार्ज दीजिएगा तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगी, सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाएगी, याद रखना है घटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि संगीत के प्रेषण के लिए वाद्य यंत्रों का उच्च आवृत्ति स्वर उत्पन्न करने के लिए, तो देखिए उच्च आवृत्ति के लिए क्या किलो हर्ट्ज यानी के एच जेड होता है, तो यहां देखिए के एच जेड कौन से ऑप्शन में है, ये किसी में नहीं है, कितना 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज के एच जेड, यानी हमारा क्या होगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज एक क्वेश्चन की निर्वात का पारावैद्युतांक का यहाँ पे देखिए मान कितना होता है, निर्वात में पारावैद्युतांक यानी आपसे पूछ देगा कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, यहाँ आप देखिए ये सब काट देगा एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है, ये क्या करेगा ये नहीं देगा, आपसे पूछ देगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, आप क्या बताएंगे 8.85 × 10⁻¹² Fm इनवर्स यानी फैराडे प्रति मीटर, यहाँ पे बाबू आपको याद रखना है। अगला आ जाइए कि संबंध q = n में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है, बाबू एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है, आसान क्वेश्चन है पूछा जाता है। काजल कुमारी आज मेरा बर्थडे है ना इसलिए मैं जा रही हूँ, काजल कुमारी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए आगे बढ़ते रहिए आप लोग, बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि q = n में कौन सा n का मान संभव नहीं है, तो कौन सा n का मान संभव नहीं है, तो प्यार बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण गुणज होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है पूर्ण गुणज, यानी एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन ये दशमलव में गुणज नहीं है, ये नहीं जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 5 द्विध्रुव आघूर्ण जो उस पर क्या है प्लस माइनस दोनों आवेश है, और यहाँ देखिए एक दूरी पे पृथक के घिरे हुए पृष्ठ में रखे हैं, बस देख लेना है कि पृष्ठ के अंदर है और फ्लक्स पूछ दिया, यहाँ पे छोड़िए एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और ये क्या है घिरा हुआ पृष्ठ में है, और यहाँ पे क्या पूछ दिया पृष्ठ का कुल फ्लक्स पूछ दिया, फ्लक्स निकल के क्या होगा, फ्लक्स निकल के यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फ्लक्स निकल के जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। आई एम पीयूष पासवान, द किंग आकाश बहुत बढ़िया, सुषमा सानी, नंदनी सानी बहुत बढ़िया, आज मेरा भी बर्थडे, अब सब किसी का बर्थडे होगा, अब देखिए अब आने लगा सर जी मेरा भी बर्थडे है, अब मेरा भी बर्थडे है, बहुत बढ़िया, सना साइन बहुत बढ़िया, सर जी गए थे मॉडल पेपर लाने, जब उसको खोले तो सब याद था, ऐसा कोई भी मॉडल पेपर हो गया ना कि जिसमें से आप, हम सही में बता रहे हैं ऐसा कोई भी मॉडल पेपर नहीं होगा जिसमें से आप 90+ अगर सही ना किए तो आप आस बोर्ड के स्टूडेंट नहीं होंगे, हम सही से बता रहे हैं, इतना ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही आपको हल्का लगेगा फिजिक्स का केमिस्ट्री का। तो यहाँ आप देखिए केमिस्ट्री में अभी भी हम बोले कि अभी थोड़ा सा बाकी है केमिस्ट्री का जो होता है ना केमिस्ट्री का अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन फिजिक्स का यहाँ पे पूरा डोज भर यहाँ आप देखिए मिल चुका है, यानी नट्टी पर तक दे दिए हैं, नट्टी पर तक बस इतना सा बाकी है उसको भी दे देंगे और खाली रिवीजन करते लगे, बहुत बढ़िया सर जी मेरा भी बर्थडे, सबका बर्थडे है, सबको हैप्पी बर्थडे टू यू, चलिए बहुत बढ़िया, सबका बर्थडे है, चलिए सबका बर्थडे है, चलिए आप लोग हंस लीजिए एक बार, सबका बर्थडे है, बहुत बढ़िया, सबका जन्म आज हुआ था, सब लोग धरती पे आज पहुंचे थे, है ना, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, सब लोग यहाँ पे धरती पे आज यहाँ पे तशरीफ लाए थे का जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहिता का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश और संहिता का आवेश का अनुपात पूछा गया, तो यहाँ पे उसको निकालने में दिक्कत होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर देख लीजिए कितना होगा, एक यहाँ पे 1.9 × 10^12 होगा शायद, चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दीजिए 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जितना जल्दी हो सके बाबू बताइए,
चलिए बताइए क्या बताएं, इसका निकालने पर इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻¹⁹, और उसको इसको निकालने पे बाबू लगभग इतना ही आएगा, लग रहा है इतना ही आएगा, 1.9 × 10⁻¹² ही होगा, बी वाला ही होगा, 100% होगा बाबू, ए तो नहीं होगा। संहिता का अनुपात उसका बटा निकालना है बाबू, बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पे बी ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आजी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, टोटल चार्ज इनटू टोटल एरिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन आजी कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह किसके तुल्य होता है, बता दीजिएगा कोई कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और ये तुल्य किसके होता है, तो जूल प्रति कूलम्ब के, आप लोग बता दीजिए, जूल प्रति कूलम्ब के, एक जूल बता एक कूलम्ब, क्या बताइएगा बाबू, एक जूल बटा एक कूलम्ब के ये तुल्य होता है, यानी 106 का क्या आंसर बताइएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, एक जूल बटा एक कूलम्ब के ये तुल्य होता है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि एक प्रोटोन एवं इलेक्ट्रॉन के को यहाँ देखिए समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही क्या समान वैद्युत क्षेत्र में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, तब पूछा जा रहा है कि उन पे क्या होगा, उन पर लागत विद्युत बल परिणाम बराबर होगा, विद्युत बलों का परिणाम बराबर होगा, यही होगा, विद्युत बल उस पे बराबर बराबर लगेगा, क्योंकि वो समान वैद्युत, यानी ये वैद्युत क्षेत्र है, इसी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, तो इसमें क्या होगा, दोनों पे बल क्या होगा, परिणाम बराबर ही होगा, तो यहाँ पे आपको इसको याद रख लेना। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि आप देखिए 1/4πε₀ का मान कितना होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो 1/1/4πε₀ का मान कितना होता है, तो 9, यहाँ पे देखिए 9×10⁻¹⁹ होता है ओनली, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर, प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। अगला यहाँ पे आज ये कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दो गुनी कर दिया जाता है, तो 20 का उनका बल कितना होगा, दो आवेशों के बीच की दूरी को दो गुना करेंगे, तो दो आवेशों के बीच की दूरी अगर दो गुना हो रही है तो उसका बल यहाँ देखिए चौथाई में आएगा, एक चौथाई हो जाएगा, क्योंकि दो आवेश से उनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो उसका बल यहाँ देखिए चौथाई में आना चाहिए, यानी 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर। याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल नहीं होगा, चार गुना नहीं होगा, एक चौथाई होगा, पूरा 100% है कि एक चौथाई होगा। अगला आ जाइए कि एक कूलम्ब आवेश वह है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर उपस्थित सामान्य आवेश पर बल लगाता है, कितना, तो 9×10⁻¹⁹ न्यूटन बल लगाएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कूलम्ब वह आवेश है जो पूछा जा रहा है कि शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल कितना लगाएगा, 9×10⁻¹⁹ ओनली 9। अगला यहाँ पे आ जाइए, एक कूलम्ब आवेश का मान कितना होता है, तो एक कूलम्ब आवेश 9×10⁻¹⁹ यही ना होगा, बताइएगा जल्दी जल्दी बताइए, नहीं तो यहाँ पे देखिए गड़बड़ होगा आपसे, एक कूलम्ब आवेश वही होता है। अरे वाह मेरे साहिद शेर, बी वाला ऑप्शन बता रहे, वाह मेरे शेर, चलिए वाह मुस्कान जा सही है, और बच्चा है शेर मेरा कहाँ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ब्रोकन गर्ल बहुत बढ़िया, वाह चेला बहुत बढ़िया। सर जी ये क्वेश्चन कहाँ से लाते हैं बाबू, ये बहुत जगह से रिसर्च करके लाया जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, सब चीज़ देखा जाता है कि कौन सी ईयर में कब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और कब पूछने वाला है, तब लाया जाता है। साजिद खान बहुत बढ़िया, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए। सर जी आप मेरा जन्मदिन को आपको आना है, पगली के पगला, जरूर पगला, तुम्हारे में नहीं आएंगे तो फिर पगली से कैसे भेंट होगा, बिल्कुल पगली के पगला, तुम्हारे जन्मदिन में हमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि पगली को देखना है कि जिसके वजह से तुम पागल हुए हो, तो उस पगली को देखना भी हमको जरूरी है। देखिए एक कूलम्ब आवेश का मान कितना होता है, 3×10⁻¹⁹ 100% होता है, बी मत मारिएगा बाबू, बी मत मारिएगा, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन पगली आएगी ना, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो बाबू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया कि एक आवेशित चालक की सतह पे, यहाँ पे सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सतह की लंबवत होती है, इसमें पृष्ठ पृष्ठ का बात नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया है कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है, बिल्कुल इसको याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ देख लीजिएगा कि जिसके T^4 हो, जिसमें T^4 हो मार दीजिएगा, वहीं आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने के बराबर होता है, तो 1.6×10⁻¹⁹ जूल, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मान तो पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, सॉरी। अगला यहाँ पे आ जाए कि ताप वैद्युत युग्म में एक साधन है जो यहाँ देखिए रूपांतरित करता है, यहाँ देखिए ताप वैद्युत युग्म, ताप वैद्युत युग्म जो यहाँ पे क्या करता है, ताप वैद्युत युग्म में क्या करता है, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, ताप यानी क्या, ताप क्या करता है, ताप ऊष्मा बदलता है, यानी कहने का मतलब देखिएगा ताप, अरे बी कैसे, यांत्रिक
यांत्रिक मतलब अपने काम धाम में अपना उपयोग करके, जैसे क्या जनरेटर चला के बिजली उत्पन्न करना, जनरेटर चलाते हैं तब जाके बिजली हमारा पैदा होता है, ये क्या होगा यांत्रिक ऊर्जा हो गया। यहां देखिए ऊष्मा ऊर्जा क्या ताप, ताप वैद्युत मतलब क्या होगा ऊष्मा ऊर्जा को किसमें बदलेगा वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ताप है ना टेम्परेचर, तो देखिए ताप वैद्युत में क्या होगा ऊष्मा ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, तो सी मारिएगा, बी कैसे मारिएगा यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संयोजी तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है, तो संयोजी तार के लिए तांबा कॉपर, संयोजक तार बनाने के लिए बाबू नाइक्रोम, नहीं नाइक्रोम नहीं, विद्युत हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ देखिए संयोजक तार किससे बनता है कॉपर से बनता है। अगला आज ये कि आप देखिए विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I तथा यहाँ देखिए विभवांतर के बी के बीच संबंध क्या होता है P इक्वल टू VI होता है, बिल्कुल राइट आंसर, इसका संबंध आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि फ्यूज तार किस पदार्थ का निर्मित होता है, जल्दी जल्दी कर लीजिए और 2 से 3 मिनट टाइम है। यहाँ देखिए फ्यूज तार तो लेड टेन के मिश्र धातु से, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी राइट। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन अगला है कि आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, न्यूनतम से संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध 1/3 ओम, एक एक ओम का तार है ना और न्यूनतम से पूछा गया तो 1/3 ओम ही होगा। अगला आ जाइए कि विभवांतर की यहाँ देखिए शुद्ध मापन, शुद्ध मापने के लिए आप किसे पसंद करेंगे, 1000 यहाँ देखिए ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, सबसे जिसमें कम होगा उससे मापेंगे, अगर 50 से भी कम होता ना डी ऑप्शन 20 ओम होता ना तो हम लोग 20 ओम पे मारते हैं, लेकिन 20 ओम नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया 50, सबसे कम कौन है 50 ओम वाला प्रतिरोध वाला विभव मापी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 120 ही क्वेश्चन आने दीजिए, यहाँ पे टाइम पता नहीं कैसे निकल जाता है, इसके लिए सॉरी मानते हैं आपसे। और यहाँ देखिए गोपालगंज का छोरा, कोई बात नहीं बाबू नंदनी जानी वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना लाइक किए हुए पढ़ रहे हैं, बाबू गुरुजी का दिल काहे ला दुखा रहे हैं, जल्द जल्दी लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। सुबह में यहाँ देखिए फिजिक्स का सब्जेक्टिव होगा 11 बजे, क्या होगा बायो का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 2:30 बजे आपका क्या होने वाला है केमिस्ट्री होने वाला है, 2:30 बजे क्या होगा प्रीवियस ईयर पूछेगा क्या होगा केमिस्ट्री का क्लास होगा, 7 बजे क्या होगा हिंदी का है तो हिंदी हो जाएगा, और यहाँ देखिए 9 बजे हो सकता है क्या होगा 9 PM में आपका मैथ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कल का रूटीन है, तो कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, कल इतना क्लास होने वाला है, तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट करते चलिए। अब आप जाइए, अब हमारे आंसू भैया को आने दीजिए, टाइम हो गया जी, बिल्कुल हम जा रहे हैं 29 में उन्हीं का क्लास है, तो चलिए बाबू यहाँ देखिए फटाफट से आप लोग क्या कीजिए लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना ही परिवार है, जितना बढ़ाइएगा उतना अपनी बड़ी फैमिली हो जाएगी। तो चलिए आप देखिए PDF आप लोग आस्क बुड सर्च करके बायो का बताए थे ना जो बुढ़ऊ का फोटो लगा है उस पर क्लिक करना है आपको, उसी के अंदर डाल दिए हैं, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जाइए फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।